नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार, मेरे चैनल का नाम एजुकेशन नितिन कुमार रीट नीट है। आज मैं आपको स्टार्ट वीडियो के लिए अपील वीडियो बनाना बताऊंगा। अपील वीडियो बनाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूं, जिससे कि आपका अपील वीडियो सक्सेसफुल रहे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। आज अक्सर देखा जा रहा है आज के टाइम में कि जो रीयूज कंटेंट के कारण लोगों का चैनल डीमोनेटाइज हो रहा है, तो रीयूज कंटेंट को किस तरह से हटाएं। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि रीयूज कंटेंट आता क्यों है। रीयूज कंटेंट इसलिए आता है क्योंकि आप किसी दूसरे का वीडियो अपने चैनल पर डाल देते हो और उसमें आप कोई एडिट नहीं कर पाते हो, इस वजह से आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आता है। और रीयूज कंटेंट अगर आपके चैनल पर नहीं है, तब भी आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर YouTube की गलती है और आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट डाल दिया है, तो आपके चैनल को फिर से मोनेटाइज कर दिया जाएगा जब आप अपील वीडियो डालेंगे बना करके। तब तो आपको अपील वीडियो कब बना करके डालना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अपील वीडियो कब डालना है, कब नहीं डालना है। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल को चेक करना होगा, हर एक वीडियो को चेक करना होगा और ये पता करना होगा कि आपके चैनल पर ऐसा कोई वीडियो तो नहीं है जिसमें रीयूज कंटेंट है, यानी किसी और दूसरे का आपने कंटेंट लिया है लेकिन उसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो वो रीयूज कंटेंट कहलाता है। अगर आपको ऐसा कंटेंट मिल जाता है वीडियो जो आपने किसी और का लेकर के अपने वीडियो में डाला है, और ना ही तो आपने कोई वॉइस ओवर दी है अपनी और ना ही उसमें अपना चेहरा दिखाया है, तो आप समझ जाना कि वो आपका रीयूज कंटेंट है और ऐसी स्थिति में आपको अपील वीडियो सबमिट नहीं करना है। आपको तभी अपील वीडियो सबमिट करना है जब आप ये अच्छी तरह से हर एक वीडियो को चेक कर ले कि कोई भी वीडियो ऐसा तो नहीं है जिसमें रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम है। अगर आपको रीयूज कंटेंट की एक भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है एक भी वीडियो में, सारे के सारे YouTube की पॉलिसी का पालन करते हैं, रीयूज कंटेंट पॉलिसी का पालन करते हैं, तभी आपको अपील वीडियो बनाना है। अगर आपने बिना चेक किए हुए चैनल को अपील वीडियो बना दिया, तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा, ये 100% याद रखना। इसलिए आपके चैनल को सस्पेंड होने से रोकने के लिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके चैनल पर एक भी वीडियो YouTube की पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा कंटेंट तुम्हारा खुद का होना चाहिए, YouTube की पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए, तभी आप अपील वीडियो करें। अब मैं आपको अपील वीडियो करना बताता हूँ, किस तरह से अपील वीडियो किया जाता है। अपील वीडियो सबसे पहले तो जो तुम्हारी भाषा है उसी भाषा में होना चाहिए, जिस भाषा में तुम वीडियो बनाते हो उसी भाषा में होना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषा के हो तो हिंदी भाषा में होना चाहिए, अगर आप अंग्रेजी भाषा के हैं तो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। तो जैसी भाषा आपकी है उसी भाषा का आप इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट कि आपको वीडियो 4 मिनट से सॉरी 5 मिनट से कम का डालना है और चैनल के शुरुआती 30 सेकंड के अंदर आपको अपने चैनल का URL, चैनल का नाम, आपका नाम, ये जिक्र करना है, इनको बताना है। फिर उसके बाद में आप वीडियो किस तरह से शूट करते हैं ये आपको दिखाना होगा उसमें, कि इस तरह से आप वीडियो शूट करते हैं, कौन कौन से फीचर का इस्तेमाल करते हैं, आप शॉर्ट वीडियो किस तरह से बनाते हैं,
लॉन्ग वीडियो किस तरह से बनाते हैं, उसको बनाने के बाद किस तरह से एडिट करते हैं और उसको अपलोड किस तरह से करते हैं, ये सारी जानकारी आपको उस अपील वीडियो में देनी होगी। अपील वीडियो में देने के बाद में आपको वाइट स्टूडियो में जाना है, यूट्यूब स्टूडियो में या ब्राउज़र फीचर्स में अर्निंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके वहाँ पर आपको ये दिखाना होगा। अर्निंग के ऑप्शन पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका चैनल डीमोनेटाइज है रीयूज कंटेंट की वजह से। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है स्टार्ट अपील का और दूसरा होता है री अपील का। तो स्टार्ट अपील वाले पर जाना है और वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन है वो दिख जाएगा कि वीडियो किस किस फॉर्मेट में आपको बनाना है। फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पर आपसे पूछा जाएगा कि जो वीडियो आपने अपील वीडियो बनाया है उसका URL उसमें पेस्ट करना है। उसके बाद आपको और जिस वीडियो का आप URL बनाते हैं वो आपका पहला ही वीडियो होना चाहिए, यानी जो अंतिम वीडियो होना चाहिए, उसके बाद में कोई और वीडियो नहीं डालना चाहिए। और एक कंडीशन और ये है कि आप जब स्टार्ट वीडियो डालते हैं तो आपके चैनल पर उसके बाद में कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होना चाहिए। जब आपके चैनल पर डीमोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद से आपके चैनल पर कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होना चाहिए, एक भी वीडियो डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक भी वीडियो डिलीट कर देते हैं तो आप स्टार्ट अपील के ऑप्शन का उपयोग नहीं करें। ये यूट्यूब की खुले तौर पर आपको गाइडलाइन है कि अगर आप एक भी वीडियो डिलीट कर देते हो तो आप स्टार्ट अपील के ऑप्शन का उपयोग नहीं करें। और जिस वीडियो को आप स्टार्ट अपील के लिए भेजते हैं उसको पहले अपने चैनल पर अपलोड करना है, फिर उसको अनलिस्टेड रखना है, उसके डिस्क्रिप्शन टैग में कुछ भी नहीं लिखना है। और आपको टाइटल लिखना चाहो तो आप अपील लिख सकते हैं या अपील वीडियो लिख सकते हैं और उसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है अपलोड करके अनलिस्टेड मोड पर। फिर आपका जो उसका URL है उसको आप YouTube स्टूडियो में जा कर के वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दोगे, ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में आपका फॉर्म अपील वीडियो सबमिट हो जाएगा और आपको 14 दिन के अंदर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपील वीडियो तभी डालें जब आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट नहीं है। रीयूज कंटेंट कौन कौन से होते हैं इनकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते। आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं हो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आप YouTube पर लंबे समय तक बने रहें, इसके लिए आप YouTube की पॉलिसियों का ध्यान रखें और ध्यान रख करके वीडियो अपलोड करें। वीडियो अपलोड करने से पहले उसको एक बार चेक कर लें कि आपका वीडियो सही तो है, YouTube की पूरी पॉलिसियों का पालन तो कर रहा है, उसके बाद ही उसको अपलोड करें। एक बार भले ही आपने वीडियो अच्छे से बनाया है लेकिन एक बार जरूर उसको चेक कर ले कंप्लीट होने के बाद, यानी कि अपलोड करने से पहले। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।